इस शेर के साथ जावेद भाई की सारी बातों पे को खत्म करूंगा कि हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। तो दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये गंगा जमुनी की सबसे बड़ी तहजीब है। दोस्तों आइए सिलसिले की कड़ी को आगे, इस प्रोग्राम का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले सर्व शिक्षा सेवा समिति के मैनेजर जनाब डॉक्टर जनाब शाहिद आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और जो हमारे मेहमानान हमारे अतिथि गण हैं उनके लिए वेलकम स्पीच पेश करेंगे, उनके लिए स्वागत स्पीच पेश करेंगे सर्व शिक्षा सेवा समिति के प्रबंधक मैनेजर शाहिद आलम खान साहब। इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा हाथ शाहिद भाई का है, हमारे जो सर्व शिक्षा सेवा समिति के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, इनकी सोच को सलाम। मैं इस शेर के साथ मैं इनको डाइस पर बुलाना चाहूँगा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जनाब शाहिद आलम साहब, सर आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाता है, वेलकम स्पीच स्वागत स्पीच पेश करेंगे आप। यहाँ पे मौजूद सभी देशवासियों को शाहिद आलम का प्यार भरा सलाम और नमस्कार कबूल हो। हमारे मंच पे बैठे हुए सभी धर्म गुरु का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इस छोटे से गांव में तशरीफ ला करके एक शांति का जो मैसेज आज हमारे समाज को मिलेगा, वो आने वाले दिनों में हमारे नस्ल को एक ऐसी मैसेज देगी कि हिंदुस्तान जिस चीजों के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान जिन जिनों के लिए पहचाना जाता है, उस चीज का मिसाल बनेगा। हमारे देश में एकता सदियों से रही है, हमारे देश में शांति की आवश्यकता नहीं है, हम तो पहले से ही शांत हैं। लेकिन ऐसे समय जब पूरा विश्व जल रहा हो तो जरूरी होता है कि एक शांति का मैसेज दिया जाए, और उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं चीजों को गौर करते हुए मौलाना परवेज आलम अब्दुल हलीम मदनी सर ने इस प्रोग्राम का आयोजन सर्व शिक्षा सेवा समिति के माध्यम से कराया। मैं अपने टीम के तरफ से, अपने समाज के तरफ से, अपने गांव के तरफ से, अपने देश के तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है जो इस देश की जरूरत नहीं, इस विश्व की जरूरत है। दोस्तों, सर्व शिक्षा सेवा समिति कई सालों से प्रोग्राम करती चली आई है। इसका बेसिकली जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन, हम एजुकेशन पे काम करते चले आए हैं। जैसा अभी जावेद साहब बता रहे थे कि हमने ऑब्जर्व किया कि हम बहुत पीछे हैं, हमारा जो मेन काम है वो एजुकेशन के ऊपर है, हमारा मेन काम एजुकेशन के ऊपर है। लेकिन ये अलग से जो शांति सम्मेलन हो रहा है, ये मौलाना परवेज आलम अब्दुल हलीम मदनी जिनके सहयोग से, बहुत बड़ा सहयोग है, सहयोग तो इस संस्था को ऐसे ऐसे लोग करते हैं जो दसियों दसियों हजार रुपया देने के बाद सख्ती के साथ मना करते हैं कि मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने पैसा डोनेट करने के बाद नाम लेने से मना कर दिया, सलाम करता हूं उनके जज्बे को। दोस्तों, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, समाज की एकता हमारे सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तमाम तरह के, तमाम विभिन्नता में एकता है, लेकिन हिंदुस्तान एक दुल्हन है और उस दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। आपको इस आंख को बचाना है, इस भीड़ से मैं ये गुजारिश करूंगा आप इन दोनों आंखों को बचाइए ताकि इस दुल्हन के चेहरे में कोई ऐब ना पैदा होने पाए। जब भी ऐसी ताकतें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता में अगर कोई बाधा डाले तो ये समाज, ये देश, हम चाहेंगे उसका खुल के विरोध करे। आज अगर हम फेसबुक पे, ट्विटर पे जाते हैं तो जाने का मन नहीं करता है क्योंकि वहां पे जली हुई लाशें देखने का मन करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज का हर इंसान ये चाहता है, समाज का हर जात का लोग ये चाहता है, ऐसा हरगिज नहीं है, बट कि कुछ लोग चाहते हैं। मैं अपने संस्था की तरफ से इस शांति सम्मेलन के लिए आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग आए। आप लोग के आने से सर्व शिक्षा सेवा समिति का ये प्रोग्राम सफल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।